खबर जबलपुर से। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में बने संभागीय पेंशन कार्यालय में पदस्थ सहायक पेंशन अधिकारी चैतन्य सराफ को रंगे हाथों 19,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 38 भी सेवा पुस्तिकाओं को अनुमोदन करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता रवि मिश्रा से प्रति सेवा पुस्तिका 500 रुपये की मांग सहायक पेंशन अधिकारी चैतन्य सराफ द्वारा की गई थी, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा लोकायुक्त बाद आज पेंशन कार्यालय में लोकायुक्त टीम ने दबिश देते हुए सहायक पेंशन अधिकारी रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। पूरे मामले में शिकायतकर्ता का कहना, वो पाटन में सहायक ग्रेड 2 विकास खंड शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। संकुल केंद्र की 50 सेवा पुस्तिका के अनुमोदन के लिए चैतन्य सराफ, जो कि संभागीय पेंशन कार्यालय सहायक पेंशन अधिकारी के रूप में पदस्थ है, उनके द्वारा प्रति सेवा पुस्तिका 500 रुपये की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत उनके द्वारा लोकायुक्त की टीम को दी गई थी, जिसके बाद आज लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ दबिश देते हुए रिश्वत लेने वाले अधिकारी चैतन्य सराफ गिरफ्तार किया गया। जी बताइए सोफेंद्र, क्या है ये, क्या दिनांक 31/8/2021 को प्रार्थी रविंद्र कुमार मिश्रा सहायक ग्रेड 2 डीओ कार्यालय पाटन ने एक लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत होकर किया कि 7वें वेतन आयोग के अनुमोदन हेतु कुल 38 शिक्षकों के की सेवा पुस्तिका का सेवा पुस्तिका में अनुमोदन होना था, जिसमें सहायक पेंशन अधिकारी पेंशन कार्यालय जबलपुर में पदस्थ श्री चेतन सराफ के द्वारा 500 रुपये पर पुस्तिका के हिसाब से 19,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया गया और आज दिनांक को लोकायुक्त टीम जबलपुर के द्वारा श्री चैतन्य सराफ को 19,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ठीक। खबर भारतवर्ष के लिए जबलपुर से कपिल नायक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।